हमेशा से हम सेफ साइड में रहना प्रेफर करते हैं चाहे फिर वो बात इन्वेस्टमेंट का हो या फिर म्यूचुअल स्टॉक uh, में इन्वेस्टमेंट का हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का हो क्योंकि जानते हैं हम कि लार्ज कैप हमेशा हमारे लिए थोड़ा सेफ़ साइड में प्रेफरेंस uh, रहता है वहीं पे अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वो थोड़े रिस्की स्टॉक रहते हैं आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर लेते हैं तो आपको बहुत दिमाग लगा के सोच समझ के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए इसीलिए आज इस वीडियो में हम एक मिड कैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप बाय ऑन डिप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और जब भी मार्केट में हल्का सा छोटा सा करेक्शन आता है आप उसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको हमेशा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है अगर कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है आपके बाइंग लेवल से बहुत नीचे आ गया है आप उसमें अब ज़्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकते तो आप वहाँ से निकल जाएँ तो ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक मिड कैप रहेगा और आज इस वीडियो में हम ऐसा डिस्कशन करेंगे कि आपको फिर कोई डाउट ना रहे कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है कंपनी का बिजनेस क्या है कंपनी के रेशियोज़ बिजनेस टेक्निकल चार्ट्स सारे कुछ आज इस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं मैं ट्विंकल आप सबका इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक के एक और वीडियो में स्वागत करती हूँ आज जो स्टॉक हमने चूज़ किया है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड का जो कि 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये कंपनी का बिज़नेस है टायर मैन्युफैक्चरिंग में अब टायर मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में बहुत सारे ऑलरेडी कंपनीज मौजूद हैं हमारे शेयर मार्केट में लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का जो स्पेशलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर व्हीकल्स में है के टायर्स में है उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हो गया इंडस्ट्रियल व्हीकल्स हो गया अर्थ मूविंग व्हीकल हो गया जो माइनिंग्स के लिए जो व्हीकल्स यूज होते हैं उसके जो टायर हो गए वो हो गया तो इन सब के टायर्स का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बालकृष्ण इंडस्ट्री करती है अपने स्क्रीन पे आप कुछ आ, इमेजेस देख पा रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टायर्स के तो ये सारे वो टायर्स हैं जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने, अप, अपने, अपने अपने अंडर प्रोड्यूस करती है जिसका मैन्युफैक्चर करती है ऐसे ऐसे अगर टायर्स के फील्ड में देखा जाए तो ये मार्केट में जो डिफरेंट काइंड ऑफ अभी जो मैंने टायर्स बताया उसकी एक लीडर है उसके साथ साथ ये तो इंडिया की बात हुई कि इंडिया में ये लीडर्स है लेकिन इंडिया के साथ साथ बाकी के भी 160 कंट्री में कंपनी कम, का प्रेजेंस है बालकृष्ण इंडस्ट्री अमेरिका में यूरोप में आ, जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है अगर हम बात करें तो ग्लोबल ग्लोबली अगर ज्योग्राफिकल रीज़न के थ्रू से हम बात करें तो कंपनी का जो सेल्स अगर देखा जाए तो यूरोप से फोटी नाइन परसेंट का सेल होता है अमेरिका से फिफ्टीन परसेंट का इंडिया से ट्वेंटी थ्री परसेंट का और वहीं पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थर्टीन परसेंट का सेल्स होता है कंपनी फिलहाल वहीं एक कैपेक्स भी कैपेस का भी प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जिसमें कि उन्नीस करोड़ का एक्सपेंशन होने वाला है भूज प्लांट में कंपनी का जो एक प्लांट है जो भूज प्लांट है जिसका नाम उसमें क, आ, कम आ, प्लांट से एक्सपेंशन में कंपनी ये अमाउंट को इन्वेस्ट करने वाली है ये हुआ कंपनी के कुछ बिजनेस का बात अगर हम स्टॉक प्राइस पे चले तो लास्ट एक वीक में कंपनी ने पाँच परसेंट का नेगेटिव रिटर्न दिया है एक महीने में दो परसेंट का नेगेटिव रिटर्न है तीन महीने में भी ढाई से तीन परसेंट का नेगेटिव रिटर्न है लेकिन जहाँ पे आपको ये तीन महीने में तीन परसेंट का रिटर्न दिख रहा है बहुत सारे बहुत अच्छे बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो कि तीस परसेंट से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं फिर चाहे आप इंफोएज एज की बात कर लीजिए या फिर टाटा के किसी कंपनी की बात कर लीजिए आप बहुत सारे अभी लार्ज कैप ऐसे हैं जो तीस परसेंट चालीस परसेंट तक करेक्ट हुए लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्री में हमें सिर्फ महीने में ऑलमोस्ट तीन परसेंट का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है वहीं पे एक साल में कंपनी ने आसपास ट्रेड हो रहा है ट्रेड हो रहा है लेकिन तीन साल में कंपनी ने काफी अच्छा एक के करीब का रिटर्न दिया है इस बीच में कोरोना का क्राइसिस भी आया था तो कोरोना में जिस हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में करेक्शन आया था उसी हिसाब से बल्कि उसके काफ़ी अच्छे हिसाब से आप बोलिए कि रिकवरी भी आई थी सारे शेयर्स में तो अभी तीन साल का अगर लास्ट तीन साल का डाटा देखा जाए तो बालकृष्ण इंडस्ट्री ने 176 परसेंट का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है अगर हम कंपनी के कुछ रिशोज़ की बात करें तो जैसा हमने पहले ही बात किया कि चालीस हज़ार करोड़ की कंपनी है एक मिड कैप कंपनी है स्टॉक का पे अभी 28 पे ट्रेड हो रहा है वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री का पी देखें तो अभी वो ट्वेंटी थ्री पे है तो ऑब्वियसली ये जो कंपनी है ये अंडर वैल्यूड नहीं है लेकिन आप इसको ओवर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी के फाइनेंस को मैंने चेक किया कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छा है तो इंडस्ट्री के पी से हल्का सा अगर, अगर ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि यह डरने वाली बात है अगर हम आर ओ की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो वो भी ट्वेंटी फोर परसेंट का है आर की बात करें तो ट्वेंटी वन परसेंट का है तो ये दो जो दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जिसमें कि हमें काफ़ी अच्छा आर और आर देखने को मिल रहा है जनरली हम ऐसे कंपनीज को प्रेफर करते हैं जिसका आर ओ सी आर ओ पंद्रह से बीस परसेंट से ऊपर रहे और अगर बीस परसेंट से ऊपर रहता है तो काफ़ी अच्छा वो कंपनी माना जाता है कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है कंपनी का सेल्स अगर देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 58 परसेंट का स्टेक है पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का स्टेक थोड़ा सा घटा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले कि पहले प्रोमोटर्स के पास कितना स्टेक था और अभी कितना है लेकिन और एक अच्छी बात ये है कि कंपनी के आ, कोई भी जो शेयर है जो कोई स्टेक है वो प्लेज नहीं है करेंटली स्टॉक प्राइस अभी 2000 पे चल रहा है वो हम चार्ट में फिर से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट अगर हम चले तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो जीरो पॉइंट का है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी कंपनी के बा, बाकी फाइनेंशल्स पे भी जाएंगे तो इसलिए मैं आपको बता दूँगी कंपनी के पास जो रिजर्व्स अवेलेबल हैं अभी वो इस डेट से काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स uh, है तो ये छोटे सा डेट के लिए हमें परेशान नहीं होना है पहला कि आप डेट के लिए परेशान ना हो दूसरा स्टॉक का पी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड हो रहा है कंपनी का आर बहुत अच्छा है कंपनी का आर अच्छा है कोई भी प्लेज कोई भी स्टेक परसेंटेज वो प्लेज नहीं है प्लस प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट साठ परसेंट का स्टेक है अगर प्रमोटर्स के पास ज़्यादा क्वांटिटी में स्टेक रहता है कंपनी प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेचते नहीं हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है की कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर भरोसा है कि हाँ आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है नेक्स्ट अगर हम कंपनी के रेवेन्यू पे चलें तो 2018 में 4400 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था वहीं बढ़ के 2019 में 5200 पे पहुंचा लेकिन कोरोना का क्राइसिस जब आया तब भी इसमें हमें एक हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिला था लेकिन वो नेग्लिजिबल था ज़्यादा डाउनफॉल नहीं था लेकिन उसके बाद जो कंपनी ने एक रफ्तार पकड़ा 2020 में फोर्टी 4800 2020 में 55 और फिर वहीं पे 2022 2022 में अगर देखें तो, देखे तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमें 50 परसेंट का एक हाई जंप देखने को मिला है आठ करोड़ का तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा एक हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ईयर बाय ईयर और वहीं पे अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो इसमें तो जब कोरोना क्राइसिस चल रहा था उसमें भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिला है इवन नेट प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है दो में सात करोड़ दो में सात करोड़ 2020 में यहाँ से हल्का सा जंप हुआ है इवन आप बोल सकते हैं कि अच्छा जंप हुआ है लगभग 960 करोड़ के करीब उसके बाद 2021 में ऑलमोस्ट 11 1100 और वही 2022 में जो कि करंट ईयर अभी चल रहा है उसमें चौदह सौ पैंतीस करोड़ का हमें एक अच्छा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है बढ़ रहा है रेवेन्यू भी बढ़ रहा है अगर हम आर की बात करें तो आर में भी हमें कंटिन्यूस एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें आर की तो आर 2018 में 18 का था 2019 में 16 का एक हल्का सा गिरा लेकिन फिर से वो दो नाइनटीन पॉइंट सिक्सटीन नाइन दो हज़ार इक्कीस में नाइनटीन और फिर से 2022 में अभी 20 पे में वो मेंटेन है तो ये भी आर भी आर भी हमें एक अच्छा देखने को मिल रहा है अब सब कुछ बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि डेट भी बढ़ जाए लेकिन हमें यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो में एक हल्का सा एक इंक्रीमेंट uh, देखने को मिला है पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस में कैश uh, रिजर्व है तो डेट को देख के हमें घबराने की बात नहीं है और अभी भी जो डेट हमें अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है जो पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट का वो कुछ ज़्यादा डेट नहीं है बहुत ही छोटा सा नेग्लिजेबल डेट है तो कंपनी अगर तो चाहे तो उसको आराम से रिपे करके और डेट फ्री हो सकती है 2018 में 2.16 परसेंट का डेट था वहीं फिर 2019 में 2.19 परसेंट का 2020 में भी सेम डेट था फिर 2021 से कंपनी में ने अपना थोड़ा सा डेट घटाया था लेकिन फिर से 2022 में कंपनी में एक हमें अच्छा डेट में इंक्रीमेंट देखने को मिला ऑलमोस्ट डबल uh, हो गया है डेट लेकिन घबराने की बात नहीं है जैसा कि मैंने आपको बता बताया था कि कंपनी के पास जो रिज़र्व्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं तो आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल भी मतलब कि पूरा थर्टी एट पर ही मेंटेन हो रहा है रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं करंट लेबिलिटीज़ भी घट रहा है और अदर लेबलिटीज भी घटा है कंपनी का तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स में हमें कोई भी गलत या नेगेटिव चीज़ देख, देखने को नहीं मिल रही है वहीं पर अगर हम सेल्स की बात करें तो दो से ले कर मार्च दो तक में हमेशा हमें एक छोटा ना छोटा इंक्रीमेंट देखने को मिला है कंपनी के सेल्स ग्रोथ में मार्च 2011 में 2000 मार्च 2022 में 3000 वहीं पे 13 में 3000 14 में 3700 ऐसे बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में 4800 मार्च 2021 में 5700 और वहीं पे 5700 से ऑलमोस्ट 50 परसेंट का जंप और सीधे 8250 पे मार्च 2022 में आके कंपनी का सेल्स रुका है वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी एक कंटिन्यू एक हमें अच्छा सा एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 200, 500, 600, 800, 700, सौ आठ सौ सात सौ आठ और फाइनली 2000 तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तीन सौ पाँच ये ऐसे बढ़ रहा और फाइनली यहाँ पे मार्च ट्वेंटी के बाद में भी हमें एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में जब पेंडेमिक चल रहा था उसमें बारह सौ था फिर वहाँ से सेल्स बढ़ के पे प्रॉफिट बढ़ के अठारह सौ पे आया और फाइनली मार्च ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के दो हज़ार पे आया वहीं पे अगर हम पी की बात करें तो उसमें भी एक शानदार इंक्रीमेंट देखने को मिला है नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिला है तो कंपनी के फाइनेंशियल में भी मुझे कभी भी कहीं पर भी कुछ देखने को नहीं मिला नेगेटिव नेक्स्ट अगर हम पीयर के साथ कंपैरिजन करें कि क्या इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये जो हम आपके सामने जो चार्ट है ये मैंने मार्केट कैप के हिसाब से लगाया तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप में अभी बालकृष्ण इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है वहीं पर भी छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स हैं अपोलो टायर्स हो गया जेके टायर्स हो गया गुडियर आ, इंडिया हो गया तो ये सब छोटे छोटे कुछ कंपनीज हैं जो कम्पे उसके साथ कंपटीशन में है लेकिन इन सब कंपनीज को बालकृष्ण इंडस्ट्री के लेवल तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम है किसी शेयर का अगर किसी स्टॉक का अगर शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ा रहता है जैसे कि आप एम का जानते हैं कि सिक्सटी का अभी शेयर प्राइस चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी बड़ी है बालकृष्ण इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो एमआरएफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ऑलमोस्ट मतलब कि ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव एक्स का है बट अगर स्टॉक uh, प्राइस में देखा जाए तो कहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्री दो हज़ार का स्टॉक है और एम आर एफ आपका साठ हज़ार का स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि स्टॉक प्राइस बड़ा है तो कंपनी भी बड़ी होगी ऐसी बात नहीं है वो डिपेंड करता है कि uh, जो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है उसको कितने शेयर्स में डिवाइड किया गया है तो उसके हिसाब से शेयर प्राइस डिसाइड किया जाता है कंपनी के थ्रू से तो uh, ये तो हमने देखा कि पी के थ्रू से अभी uh, हमने अभी मार्केट कैप के हिसाब से कंपैरिजन किया कि सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप जो है वो भी बालकृष्ण इंडस्ट्री का है uh, टायर के सेक्टर में वहीं पे अगर हम पी की बात करें तो देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री का पी अभी ट्वेंटी एट पर चल रहा है वहीं पे सेक्टर का पी अभी ट्वेंटी टू है तो अगर एम आर एफ़ की हम इसमें बात करें तो एम आर एफ का शेयर प्राइस भी अधिक है और साथ में कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है फोर्टी थ्री का पी है अपोलो टायर्स में सत्रह का पी है ठीक है अच्छा है सी टी में आपका फोर्टी टू का पी है अगेन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है वहीं पर जेके टायर्स अच्छा है ओवरऑल देखा जाए तो हमें मार्केट कैप के हिसाब से भी बालकृष्ण इंडस्ट्री सेक्टर में बेटर लगा और वहीं पे पी के हिसाब से भी बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पे बेस्ट है और वहीं पे अगर हम यहाँ से सीधे जंप करते हैं आर में रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड तो ये भी आप देखिए बाकी जितने भी कम पियर हैं उन सब पीयर्स में से बालकृष्ण इंडस्ट्री का आर जो है वो सबसे अच्छा है ट्वेंटी फोर परसेंट का बाकी जो दूसरे कंपनीज हैं उनका भी ग्रोथ है लेकिन उतना उतना अच्छा उनका रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय नहीं है जितना कि बालकृष्ण इंडस्ट्री का है तो आ, ये सब पॉइंट देख के एक और हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है जिससे लगता है कि हाँ हम बायोफिश इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म इसमें हम बायो एंड का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर हम कंपनी के अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना मैंने आपको बताया था कि हल्का सा उनका जो स्टेक है वो उन्होंने आ, आ, कम किया है 58.3 था 2019 में वहीं पे 2022 में अगर आप देखिए तो 58.29 था बहुत कम वो नेग्लिजिबल है तो उसको हम लोग ऑब्वियसली लाइक अनदेखा कर सकते हैं वो कुछ ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है वहीं पे uh, देखा जाए तो एफआईआई पहले तो उन्होंने कंटिन्यूस अपना स्टेक बढ़ाया लेकिन अभी जब से हमारे मार्केट में फॉल आ रहा है ये फिफ्टीन पॉइंट से मतलब कि जून जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन से जो एक जून नहीं आप दिसंबर ले सकते हैं दिसंबर से जो एक फॉल आना शुरू हुआ है तो एफ आई आई के कारण तो एफ आई आई ने भी अपना थोड़ा शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट एक परसेंट का कम किया है बालकृष्ण इंडस्ट्री में वहीं पे डी आई आई का स्टेक भी हल्का कम हुआ है यहाँ पे वो चौदह तक गए थे और नहीं अठारह उनका हाईएस्ट अठारह उन्नीस परसेंट का गया था लेकिन वो उन्नीस परसेंट घट के अभी मात्र बारह परसेंट के आसपास बचा है वहीं पे पहले पब्लिक के पास कभी ग्यारह से बारह परसेंट का हुआ करता था और वहीं अभी अपने पास जो हम जैसे पब्लिक हैं रिटेलर्स हैं उनके पास अभी पंद्रह से सोलह परसेंट का स्टेक बचा है ये तो हमने पूरा डिस्कशन किया है अभी कंपनी के बिजनेस को लेके, कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ को लेके। अब अगर जो हमारा फाइनल डिसीजन बनता है वो बनता है हमारा टेक्निकल चार्ट के ऊपर तो अगर हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलें ये मंथली चार्ट है दो आई गेस 2006 में कंपनी 2006 से लेके 2022 तक का हमारे पास चार्ट है 2006 में जब कंपनी का लिस्टिंग हुआ था शायद उस समय से हमारे पास चार्ट है उस समय एक सौ का शेयर हुआ करता था कंपनी यहाँ पर बहुत स्लो स्लो में मूव की लेकिन अभी से मतलब कि अगर देखा जाए तो जून 2016 के बाद से कंपनी में एक अच्छा मूव आया 2000 जून जून 2016 में जहाँ पे कंपनी 200-300 की हुआ करती थी वहीं पे Uh, एक साल में कंपनी ने एक से डेढ़ साल में तीन सौ से ऑलमोस्ट पंद्रह सौ पे पहुंच गई वहीं पे फिर एक जो uh, क्राइसिस आना स्टार्ट हुआ था uh, बबल्स वगैरह मार्केट में जो आए थे उसके कारण से फिर मार्च में कोरोना आया ट्वेंटी ट्वेंटी में तो ट्वेंटी ट्वेंटी मार्च में कंपनी ने अपना लो बनाया था छः सौ का छः सौ का लो बनाने के बाद उसके बाद जो कंपनी में एक रिकवरी आई वो सात सौ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं वो सत्ताईस सौ पर पहुँच गए सात से सत्ताईस सौ ऑलमोस्ट आप फोर एक्स बोल सकते हैं फोर हंड्रेड परसेंट का रिटर्न कंपनी में नहीं बहुत जल्दी सिर्फ दो साल के टाइम पीरियड में बना के दिया लेकिन इसके बाद जो करेक्शन होना स्टार्ट हुआ सत्ताईस सौ से फिर से कंपनी ने अपना लो बनाया ऑलमोस्ट सोलह सौ का लेकिन फिर से अभी कंपनी में एक हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ये तो मंथली चार्ट है अगर हम डेली चार्ट पे डिस्कस करें तो इसमें एक लो एंड लो का फॉर्मेशन हो रहा है आप अगर स्टॉक को बाई करते हैं और अगर स्टॉक इस, इस लेवल को तोड़ता है तो फिर आप देखिए कि आपके पास आपका रिस्क एपटाइट कितना है आप इसके नीचे जाने पे आप, आप बियर कर सकते हैं कि नहीं अगर उतना आपको लॉस होता है तो आप आपके लिए बेरेबल है कि नहीं तो आप उस हिसाब से अपना पोजीशन बनाएं और यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि ये एक सपोर्ट का, का काम कर सकता है ये लाइन लेकिन अभी मार्केट का जो सिचुएशन है आ, शायद सपोर्ट में भी कुछ काम नहीं करेगा तो ये कंपनी ऐसी है जिसमें आप बाय ऑन डिप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और हर एक डिप में आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी अभी प्रेजेंटली 2000 पे चल रही है सत्ताईस तक का हाई बनाया था कुछ महीना पहले कुछ दिन पहले कंपनी सत्रह सोलह सौ सो, पंद्रह सौ तक गई थी सोलह सौ सो नब्बे का मैं अभी सोलह सौ सो तक गई थी कंपनी अभी दो हज़ार पे ट्रेड कर रही है तो मुझे लग रहा है कि इस हाई इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए और अगर लो कंपनी लो तोड़ती भी है तो भी मैं जहाँ तक जानती हूँ इस कंपनी के बारे में जितना मैंने फंडामेंटल स्टडी किया है तो आप इस कंपनी को ऑन डिप का फॉर्मूला लगा के आराम से इसमें आप एंट्री कर सकते हैं और जब भी आपको लगे कि नहीं अभी कंपनी का फंडामेंटल्स चेंज हो रहा है या कुछ कंपनी के प्रमोटर्स में कुछ चेंजेस हो रहा है तो आप एक बार अपना डिसीजन फिर से रिव्यू करें कि आपने जो डिसीज़न लिया था वो सही है कि नहीं बट मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट कंपनी है कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं जिसमें कि आप बाय डेप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मेरा आज का एनालिसिस यहीं ख़त्म होता है वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लाइक करते तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इससे मुझे थोड़ा तो इंक्रेजमेंट मिलता है तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक यू सो मच इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय